जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एम्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? एनिमल्स की ग्रुपिंग को, ठीक है। एनिमल्स की जो हम ग्रुपिंग करेंगे उसको हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली बोलेंगे क्योंकि एनिमल ऑर्गेनिज्म के भी दो ग्रुप हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। कोई भी जानदार हो उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसके एम क्या थे, मकासद क्या थे, किस तरह हमने इसे क्यों बनाया है और इसकी बेसिस किस बेस पे बनाई जाती है, मीन के हम इसकी बुनियाद क्या रखते हैं, किसकी क्या वजह होती है, ठीक है। हम पहले इसके जो एम्स हैं और बेसिस इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इनको देखते हैं कि किस वजह से हमने इनको क्लासीफाई किया है। हमारे पास दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है जी, हम यहाँ जो एक एस्टिमेट है दुनिया में लगाया गया मौजूद दुनिया में मौजूद ऑर्गेनिज्म का, और उसमें एनिमल्स को जब कैलकुलेट किया गया तकरीबन 1.5 मिलियन जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। जो हमारी पूरी दुनिया है, मीन जो वर्ल्ड है, उसके अंदर इतने एनिमल्स मौजूद हैं हर एरिया के, ठीक है, जिसमें सारे एरियाज इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो उनसे कम हैं। देखें जरा, हमारे पास प्लांट्स कम हैं और एनिमल्स ज्यादा हैं। 0.5 मिलियन हमारे पास जो हैं वो हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं ये हालांकि ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए इन्हें, क्योंकि एनिमल्स को अपनी सर्वाइवल के लिए प्लांट्स की जरूरत होती है। अब हमने इनको डिवाइड क्यों किया, इतने सारे प्लांट्स इतने सारे एनिमल्स, इनको किसी तरीके से अलग किया गया, ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बना दिया गया, ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप बना दिए गए एनिमल्स और प्लांट्स। अब इसकी वजह ये थी कि इसकी बेसिस क्या होती है, हम यहाँ देख लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो समंदर में रहते हैं, सी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, ठीक है। कुछ वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है। और कुछ तैर सकते हैं, ठीक है, उसे हम स्विमिंग कहेंगे। जो समुद्र में रहेंगे जारी बात है स्विम करेंगे, ठीक है। और जो हवा में रहते हैं, एयर में रहते हैं, वो उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे, इस तरह हम बर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। अब इनको क्लासीफाई करने का तरीका ये, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइक हम एक बर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। बर्ड्स के ग्रुप में अब हम आपको पता है हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सॉरी जो हम एनिमल्स रखते हैं, और वो एनिमल्स हम अलग उन्हें कहते हैं, लेकिन वो बर्ड्स के ग्रुप में उसको हमने अलग इसलिए कि उनके पर होते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है, इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें एग्जाम्पल हम दो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पैरोज हैं, ठीक है। स्पैरोज जो होती हैं वो फ्लाई करती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है पिजन। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है पिजन, हम यहाँ लिख लेते हैं। ये भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है, PIGEON पिजन, ठीक है। ये दोनों फ्लाई करते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, तो इनको हम इस बर्ड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए, इस क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो के काम कर रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सी साइंस की ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की दो ऐसी ब्रांचेज जो के क्लासिफिकेशन पे काम कर रही हैं, उनकी क्या स्पेसिफिसिटीज है, ठीक है। किस खास तरीके से वो काम कर रही हैं, किस खास तरीके से वो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करती हैं। हमारे पास ये क्लासिफिकेशन आ गई, इसको हमने डिवाइड किया जी दो ग्रुप्स में, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने वाले दो ग्रुप्स हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हम तरीके लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जी हमारे पास टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, ठीक है। दूसरा है जी हमारे पास आ जाएगी टेक्सोनोमी हमने लिख ली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी सिस्टेमेटिक्स, ठीक है, सिस्टेमेटिक्स, सॉरी इसको स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, और SYSTEMATICS, ठीक है, सिस्टेमेटिक्स। अब इसके जो हमारे पास टेक्सोनोमी होती है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन करती है, ठीक है। चीजों को क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप्स में बना दिया, ठीक है। ग्रुपिंग करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफाई करती है सिर्फ। लेकिन जो हमारे पास सिस्टेमेटिक्स है वो क्लासिफाई तो करती है, लेकिन किस बेसिस पे करती है, एवोल्यूशनरी बेसिस पे। अब एवोल्यूशनरी बेसिस क्या होती है कि डीएनए की बेसिस पे करती है, कौन किससे ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। जिस तरह कहा जाता है कि ह्यूमन जो है वो बंदर से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। उसका पास्ट क्या है, उसका इंसेस्टर मीन उसके पास्ट में जो उसके क्लोजली ग्रुप है वो किस तरह थे, किस तरह इवॉल्व हुए हैं, किस तरह वन बाय वन उन्होंने तरक्की की है। तो हम यहाँ इसको एवोल्यूशनरी को हम क्लोजली रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप होते हैं या एक दूसरे से एवोल्यूशनरी मीन तरक्की कर करके बनते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ह्यूमन जो है बंदर से बना है, इसी तरह के कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत आसान है करना, उसकी क्या टेक्सोनोमी है वो बहुत आसान है। सिमिलर फैक्टर्स ले लेंगे हम, जिस तरह हमने पिजन को किया है,
ठीक है, पिजन में जो सिमिलर करेक्टर्स हैं कि उसका उसके पर होते हैं, ठीक है, इस वजह से हम उसको बर्ड्स के ग्रुप में रख देते हैं। सिमिलर और डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। डिफरेंस कैसे हम देखेंगे कि क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे, हालांकि देखें पिजन जो है स्पैरो से बिल्कुल मिलता जुलता है क्योंकि वो उड़ सकता है, लेकिन फिर भी उनके आगे फिर और डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, फिर उनको और अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। इसी तरह जो हमारे पास सिस्टमेटिक्स आती है उसमें हम किस बेसिस पे करते हैं, डीएनए की बेसिस पे करते हैं। डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसकी बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे, वो किस तरह दिखेगा, ठीक है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो होती है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर भी हो सकती है, जो कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, जेनेटिक इन्फो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को इन्फो कह देते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होती है। तो डीएनए की बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आ चुके हैं उनके डीएनए को लेके उसकी बेसिस पे वो कितने क्लोजली रिलेटेड है वो देखा जाता है, फिर उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो सिस्टमेटिक्स जो है वो ग्रुपिंग है डीएनए की बेसिस पे। और ये जो हमारे पास टेक्सोनोमी है सिर्फ जो हमें लुक से नजर आती है, जो देखने में हमें ऑर्गेनिज्म की बाहर लुक से नजर आता है अपीयरेंस से कि वो छोटा है बड़ा है उसके पर हैं कि नहीं है उस बेसिस पे, लेकिन जो डीएनए है जिसका सिमिलर होगा उनको फिर एक ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि जिस तरह डीएनए सेम होगा उसकी करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा सेम होंगी, ठीक है। एक जैसे डीएनए जो होते हैं वो एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमने एम्स पढ़े हैं ग्रुपिंग के, क्लासिफिकेशन के, और हमने देखा कि किस बेसिस पे की जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इंसान आसानी हुई है हमें इंसानों को, क्योंकि हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप रख सकते हैं और उन ग्रुप्स को हम इजीली स्टडी करके उनकी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट यूज कर सकते हैं डिफरेंट रिसर्च के लिए और अपने फायदे के लिए। जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे उनसे हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो अरेंज हो गए हैं, और अरेंजमेंट जो है वो आसानी पैदा करती है स्टडी के लिए।